यहाँ तो दुश्मनों को तो यूं ही बदनाम किया है, यहाँ तो दोस्तों ने ही धोखा दिया है। और गाड़ी की एचपी देख के समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है तो फिर जाओ कमेंट में बताओ। वही तो पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, कि बजने वाले हैं या बचने वाले हैं। बाकी हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। अरे क्या आवाज आ रही है? अरे इसका नाम देख, नाम देख सके? हाँ नाम देख लिया है, लेकिन अभी पढ़ेंगे नहीं, वो लास्ट में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ ना, तो समझने के लिए बिना स्किप किए मिस किए पूरा गेम प्ले देखने का, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे और मिस कर दोगे तो मजे नहीं आएंगे। सो हे गाइस, क्या हालचाल है? सारे सारे अच्छे हो गए तो हम अगेन आ गए बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमेशा दबा के होने वाली यार। और इस गेम प्ले में तुमको तबाही के साथ साथ देखने को मिलेगा गाड़ी फटने वाला कार्यक्रम, मतलब हर एक मिनट में कोई ना कोई गाड़ी पर गोलियां चलाता ही रहेगा। कभी हम चलाएंगे, कभी हमारे मित्रगण चलाएंगे और कभी बंदे चलाएंगे। लेकिन उसके पहले आप नशे एंजॉय करिए। मतलब हम पुलिस भैया को फॉलो किए थे और पुलिस हमेशा एक तरह लेट आती है, और इस लेट के चक्कर में हमारे गेमो भैया पहले उतर जाते हैं और हम अभी भी हवाओं में हैं। तो फिर फटाक से उतरते हैं और बकैती बंद करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपको पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बस आपको क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, या फिर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी अदर स्टेट का, या फिर आईआईटी, जेईई नीट या फिर क्लास 6 से लेकर 12 तक का कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट में। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साथ इसमें पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे एचबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट में। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी चाहे तो डाउट नट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पास ये भाई साहब कूद रहे थे, ऐसा हमको लगा और तुम्हें भी लगा होगा, तो हमने इनको 2-3 गोलियां बजाई, लेकिन ये भाई साहब तो निकल लिए। फिर हमको समझ में आया कि गड़बड़ी हो गई है, तो पहले अपना किल सेव कर लेते हैं, उसके बाद जाकर गेमो भैया की हेल्प करते हैं। और बहुत ही उत्तम समय पर आए हैं, अगर 1-2 सेकंड लेट होते तो यहाँ पास दो भाई साहब थे, रिलोड करने का भी टाइम नहीं मिलता। एक भाई साहब ने नॉक कर दिया था और दूसरे भाई साहब पूरा खाने के लिए आ भी गए थे, लेकिन सही समय पर हम आ जाते हैं और दोनों भाई साहब को खा जाते हैं। उसके बाद फटाक से रिवाइव देते हैं और तुम गोलियों की आवाज सुनो। गोली खत्म ही नहीं। और ये सुनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएं। ये हमको पता कैसे चलता है कि बंदे कहाँ हैं? तो हमको ऐसे समझ में आ जाता है कि कुछ बंदे स्विमिंग पूल पर नहाकर नमकीन हो रहे हैं और बाकी बंदे शॉल्व के लेकर अपार्टमेंट में धाएं धाएं कर रहे हैं। क्या होता है कि जो शक होता है वो रिश्ते को पूरा खा जाता है, जैसे कि हमने बंदे को खा लिया, और हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हो, तो डाउट मत रखा करो। बाकी हम चलते हैं बंदे को बजाने के लिए। मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसे में। तो भाई साहब बढ़िया स्विमिंग पूल से नहाकर, कपड़े वपड़े धोकर, बढ़िया सुखाकर और उन सबको बढ़िया बैग में डालकर गाड़ी लेने के लिए जा रहे होते हैं। भाई यार ये क्या लगा नहीं जंपिंग जपाक करते हुए जा रहे होते हैं, तो फटाक से इनको घुटनों में भेजा और पूरा खा भी लेंगे। लेकिन एक और बात करनी है कि कल हम कहाँ थे, क्योंकि इस समय मैं भूल जाता हूँ यार, गैप मार देता हूँ और बताता नहीं हूँ कि क्या हो गया था। तो मैं बता देता हूँ, हमने लगवा ली थी वैक्सीन, और जितनी समस्या कोरोना से नहीं होती उससे ज्यादा समस्या वैक्सीन से होती है, मतलब लगवाने के बाद। तो फिर बढ़िया बुखार आया और हम फिर विश्राम कर रहे थे, लेकिन अभी बढ़िया है, बस हाथ नहीं उठ रहा है मेरा, बाकी लाइफ में सब चंगा सी। तो उसके बाद फटाक से गाड़ी में बैठते हैं, पुलिस भैया को बैठाते हैं, जो कि ये भाई साहब अलग ही अग्निपथ बना रखे हैं, पता नहीं किसको भस्म करने में लगे हैं। उसके बाद तुमको याद होगा इस टॉलबी से धाएं धाएं हो रहा था अपार्टमेंट में, तो बंदे होंगे, तो फिर चलिए। मैं किल चोरी कर रहा हूं, एक किल तो कर लिया, मजा आ गया।
हाँ हाँ वही कह रहा अपन, एक किल तो कर लिया, मजा आ गया। फर्क थोड़ी पड़ता है कि बंदे मार रहे हो सज्जन पुरुष मार रहे हो, किल तो बराबर ही मिलेंगे ना। एक बंदे को मारने पर एक किल, एक सज्जन पुरुष को मारने पर भी एक किल। कितनी बढ़िया सोच है तुम्हारे भाई की, मारना पड़ेगा यार। लेकिन परेशान मत होते सर, सज्जन पुरुष नहीं बजाएंगे कि 25-30 किल हो जाएं और फिर हम क्लिक बेट करें। ना ना ना, हम बस आराम से लूट कंप्लीट करेंगे और गाड़ी उठाएंगे, और जब गाड़ी उठा लिया तो फिर फैमिली में आने वाले समय को जरूर कंप्लीट करेंगे। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। उसके बाद सिंह डेल्टा में मार आ रहा था डब्बे का, तो हमको लगा फुलझड़ी वाली गन चली होगी, तो हम जा रहे होते हैं। लेकिन ये तो हमारे लाल वाले डिब्बे होते हैं, और तभी दिख जाती है मिराडो, और यहाँ चालू होते हैं फिर नशे, जिसे आप एंजॉय करिए। बाकी हम मिलते हैं अगले गेम प्ले में। आ जाओ तुम्हें फर्स्ट एंड फ्यूरियस दिखाता हूं। अरे ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, फेवरेट है। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। नहीं नहीं एक सेकंड, गेम प्ले में जाने से पहले नाम तो पढ़ लूं। नहीं रहने दो, तुम कमेंट में बता देना क्या नाम है। क्या है कि गेमो भैया पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता दूं। तो उसके बाद अगले गेम प्ले में चलते हैं, जहां पास हॉट ड्रॉप गया था अगेन स्टेडियम, जहां पास उतरते हुए तुमको तीन बंदे दिख गए होंगे और वो हमको भी दिख गए हैं। तो फिर फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं और फिर चलकर उनको बजाते हैं। तो भाई साहब सोचा तो था कि एक दो किल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पास दो बंदों को तो बजा दिया गया है। अब एक भाई साहब बचे हैं, उम्मीद है कि इनका किल मिल जाएगा। लेकिन वो भी नहीं मिलता है, तो फिर हम जिंदगी से हताश उदास चले जा रहे थे। और फिर हमको देखते हैं सज्जन पुरुष, उसके बाद फिर एक और सज्जन पुरुष, तो अब हो गए हैं दो किल। नहीं मतलब पहले एक भी नहीं थे, लेकिन अब दो हो गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि स्टेडियम में जो फाइट हुई उसमें हमें दो किल मिल गए, इतना तो मान ही सकते हैं ना, मतलब मैथ वाले छात्र हैं तो इतना मान सकते हैं। तो उसके बाद आराम से लूट कंप्लीट करते हैं और इसके उठाकर जा रहे होते हैं। रुक जा। और इन दोनों के नशे ही नहीं खत्म हो रहे हैं, अलग गांजा फूंक रखा है दोनों ने। तो फिर से इसके उठाते हैं और फिर से जा रहे होते हैं। और फिर इन दोनों के नशे नहीं खत्म हो रहे हैं। वैसे सही लग रहा था, इन दोनों को गांजा देने लायक था नहीं, बहुत ज्यादा गलत असर हो गया है यार। बदला कतई बदला बदला खेले जा रहे हैं। तो उसके बाद हम भी जा रहे हैं गाड़ी लेने, इस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है ना, और इस बार इन दोनों को नहीं बैठाएंगे पक्का। लेकिन अभी जिस हिसाब से हेल्थ है ना, मुझे लग रहा है मैं खुद ही गाड़ी में नहीं बैठ पाऊंगा, इनको तो बाद में बैठाएंगे। तो अपन हीलिंग लगा रहे थे, लेकिन फिर हमको लगा किल सेफ कर लेते हैं, क्योंकि पूरे गेम प्ले में बॉट मारते हुए नहीं दिखा सकते ना यार। उसके बाद हमारी रिया मैडम काफी देर तक टीपीपी ले रही थी, उसके बाद उनका मन किया कि चलो रस करते हैं, फिर हमारा मन किया कि चलिए आपको लॉबी भेज देते हैं। तो फटाक से लॉबी भेजा, आराम से रूट कंप्लीट किया, और उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में और भी बंदे होते हैं, लेकिन जब तक पहुंचते हैं तुमको क्या लगता है किल मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, तो सारे बंदे बजा दिए गए होते हैं। लेकिन तभी हमको मैप में दिखता है ड्रॉप, और वहां तो बंदे पक्का होंगे, तो फिर चलते हैं। चलो 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 चलो। और बच गए। नहीं उम्मीद थी कि मेरी गाड़ी भी फटने वाली है, लेकिन हमसे कोई दुश्मनी नहीं है भैया, अपनी सबसे मंडोली चलती है, अपने को पंगे लेना ही नहीं है भैया। उसके बाद फुलझड़ी वाली गन में पहुंच गए हैं, तो फिर एक दो किल चोरी करने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पास क्या ही बोला जाए, भाई साहब बजरंगबली के भक्त थे और फिर बजरंगबली बनने लग गए। नहीं मतलब औकात में रह लो, दिमाग खराब हो जाता जब ये लिख के आए यू किल्ड ये या योर टीम मेट किल्ड ये, तो फालतू में इस तरह के नाम ना रखा करो यार। तो उसके बाद आराम से लूट कंप्लीट करते हैं। और बता रहा हूँ ना, इनके नशे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो पुलिस भैया फिर इस पर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं पुलिस भैया की जब ट्रेनिंग हुई थी पुलिस की, तब इन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की थी, इसीलिए हम बच जाते हैं। तो फिर गाड़ी उठाते हैं और फिर बंदों पर जाते हैं। Watch out. और यहाँ पास हमारा किल चोरी हो जाता है, तो ये बात याद रखी जाएगी, इसका बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हम भी बदला बदला खेलेंगे यार। और जब इनके 3 बजा दिए, तब एंट्री होती है हमारे पुलिस भैया की। हम पहले कह चुके हैं ना, पुलिस टाइम पर आ ही नहीं सकती। और आने के बाद तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, तो फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। और आगे जा ही रहे होते हैं तभी हमको गाड़ियों की आवाज आती है। बहुत सारी गाड़ी आ गई ब्रो, आई मीन बहुत ही सारी। अरे ब्रो यार इतना डैमेज दिया था। अब जाकर दिल को सुकून पहुंचा है, अब बढ़िया लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, बदला लेने का मजा ही कुछ और है। तो फिर बढ़िया से बदला ले लिया है, तो अब बढ़िया से लूट लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और मेरा मन किया कि मैं पुलिस को बैठा लूं, नहीं मतलब जैसा भी है तो पुलिस वाला ही, जरूरत तो पड़ती है पुलिस की। लेकिन भाई साहब सुधरने वाले तो है नहीं। मेहनत करनी पड़े सुल्तान। लेकिन हम पहले बता चुके हैं इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो उतनी अच्छी नहीं हुई है, ऐसे ही जोर जुगाड़ करके तो नौकरी लग गई है पुलिस की, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद 2 बंदे बचे थे और इन दोनों की हीलिंग देख के समझ में आ रहा था कि आपस में लड़ मारेंगे और दोनों किल हमको मिल जाएंगे। भाई थोड़ा बच गया यार। 3 गिरो 3 गिरो। लेकिन ससुरा ऐसा होता ही नहीं है, लड़ते लड़ते भी किल से ध्यान नहीं हट रहा। तो अब एक भाई साहब बचे थे और मुझे लग रहा था कि यार ये वाला किल मुझे मिल जाए, नहीं मतलब दिल से मैं यही मना रहा था कि ये किल मिल जाए बस। और भाई साहब सामने आके प्रकट हो जाते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सीधे हमारे सामने आकर प्रकट हुए। तो मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर, माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।